एक्सरसाइज 2.5 आपको दिख रहा होगा, हमने 2.4 एक्सरसाइज तक सारा कंप्लीट कर लिया है। 2.4 तक हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हो गया है, हम 2.5 एक्सरसाइज पे हैं, ठीक है। 2.4 और 2.2 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्पेशली हसन वाला जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज में 7th, एंड जो एक डियर वाला क्वेश्चन था जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था टोटल डियर कितने हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करना बार बार प्रैक्टिस। बाकी अभी एक्सरसाइज 2.5 में हम आ गए हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करनी है। कौन सी इक्वेशन है ये? ये है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स बाई टू 1/5, एक्स बाई थ्री 1/4, कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना कि सारे एक्सों को आपस में मिला दो, ये उधर जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम क्या लूँगा? एलसीएम लूँगा 20, तो 4 5 जार 20, 5 4 जार 20, तो ये आ जाएगा 9/20। यहाँ से एलसीएम क्या बनेगा? 6 बनेगा, 3x, और ये आ जाएगा 2x। तो एंड में क्या आ रहा है हमारा? एक्स बाई सिक्स इक्वल्स टू 9/20। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 9/20। ये डिवाइड वाला 6 वहाँ पे कैसा जाएगा? इनटू में, तो 2 3s are 2 10s are, तो आपका आंसर आएगा 27/10, ठीक है ना। आपस में x वाले टर्म्स को असेंबल किया, नंबर्स को दूसरे साइड असेंबल किया, और दोनों को असेंबल करने के बाद हमने इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं ना, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और RHS में 21 है, तो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले LCM क्या ले सकता हूँ? 2, 4, 6 लिखा हुआ है ना, तो LCM मैं ऐसा नंबर ले सकता हूँ यानी जो दोनों तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हमने ले लिया, तो 2, 6s are 12 होता है तो 6n, 4, 3s are होता है तो ऊपर 9n, 6, 2s are 12 होता है तो 2 × 5 10n हो जाएगा, ये 21। यहाँ से 10 + 6, 16 - 9, 7 n/12 जो है 21 है। तो आप मुझे बताइए 7n कितना हो जाएगा? 12 × 21, और यहाँ से n आ जाएगा 36, ठीक है। आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद से आपको ट्राई करना है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं x प्लस 7 माइनस 8x/3, इधर 17/6 माइनस 5x/2। कुछ नहीं, सबसे पहले x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया है। फिर इस साइड 17/6 माइनस 7, तो ये बनेगा 6, 42। देखिए हमने एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन किया, तो ये -25/6 आ जाएगा। इसको देखिए ध्यान से, एलसीएम क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? 6 ले सकता हूँ, तो 6x, ठीक है। ये 2s are तो ऊपर 16x, 2 3s are 15x, तो बताइए आप मुझे क्या आएगा अब? 6, 15 और 6 कितना होता है? 21, 21 में से अगर मैं 16 हटा दूंगा तो 5x मिलेगा मुझे, 6 और 6 ये कट गया। यहाँ से आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -25/5, यानी कि x आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, x वाले टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करो, नंबर्स वालों को एक साथ करो, और इक्वेशन बना के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6, जब दो सेम डिनोमिनेटर होते हैं LHS RHS में तो कट जाते हैं। सिमिलरली जब दो सेम साइन होती है माइनस की LHS RHS में तो वो कट जाती है, तो वो पॉजिटिव बन जाती है दोनों। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए हमें क्या करना है ना, ये 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मैंने क्या कहा आपको कि ये जो 5 है इसको आप इसके इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, और इस 3 को आप इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, एंड इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया x-5 से, 3 को मल्टीप्लाई किया x-3 से, ठीक है।
तो 5 इंटू एक्स, 5x आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक है। तो अब ये 3x इधर आएगा तो माइनस के साथ, ये माइनस 9 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 2x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी डिवाइड होके, तो यहाँ पे x आ गया हमारा 8। आई होप ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये याद रखिएगा, इसमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, इस साइड को मैं ऐसे ही अभी लिख देता हूँ 2/3 माइनस टी। यहाँ पे मैं एलसीएम क्या लूँगा बताइए, 12 ले लूँ, ठीक है। 12 अगर एलसीएम लिया तो मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। अभी आपको पता है क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 3s are 12 और 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 3 4s are 12, तो यहाँ पे 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 3 into 3 90 माइनस 6, इधर माइनस 80 माइनस 12 upon 12 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम 3 लिया, 2 minus 3t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 90 माइनस 80 टी बचेगा, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 टी अपॉन 3। अब यहाँ आने के बाद मैंने आपको जस्ट समझाया था हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखिएगा यहाँ आने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था मैंने, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 3t माइनस 54, ये हो जाएगा 24 माइनस 36t। 36t को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये 36t प्लस 3t और 24 प्लस 54, ये बना 78 और 39t। यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 78 अपॉन 39, जो कि 2 के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। t की वैल्यू आ गई हमारी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बार m आ रहा है, 1 2 3, तो सारे m को हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या फिर एक काम करो, पहले ये सॉल्व कर देते हैं और इसको अलग सॉल्व कर देते हैं और इक्वेशन में रखते हैं उसको। तो ये 2 लेंगे एलसीएम तो ऊपर 2m माइनस का साइन, ठीक है, और ये ऐसे ही आ जाएगा। इधर 3 एलसीएम तो 3 माइनस, ये ऐसे ही रहेगा। फिर 2m माइनस m प्लस 1 किया अपॉन 2, 3 माइनस m प्लस 2 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, ये बना m प्लस 1 अपॉन 2, ये बना 5 माइनस m अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, ये टाइम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करो m प्लस 1 से, 2 को करो 5 माइनस m से, क्या मिलेगा, 3m प्लस 3 10 माइनस 2m, 3m में जोड़ दो 2m और यहाँ 3 आ जाएगा तो ये बना 7। तो
फाइव एम जो है सेवन है, यहाँ से m कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेवन अपॉन फाइव। ठीक है, याद रखिएगा m जो है वो सेवन अपॉन फाइव है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, आप जॉट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट फोर क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3t-9 इक्वल्स टू 10t+5, ठीक है। 5t 5 नहीं है यहाँ पे, देखिए 10t है, तो आप 10 को यहाँ लिख देंगे, ये इस साइड आ गया है। ओके, 5+9 14, चेक करते रहना है हमें। -7t = 14, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 14 upon -7 -2। एक बार पुट करके देख लिए, t को अगर -2 रखूँगा तो ये पूरा इक्वेशन कितना बन जाएगा, -15, और यहाँ पे -15। ठीक है, करेक्ट है हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। 15y 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 - 2y + 18 + 5y + 30 = 0। अब y देख लो, y कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इनको असेंबल कर लो एक साथ। 15 + 5 होता है 20 20 - 2 18y, ठीक है। अब नंबर्स देखो, 30 + 18 = 48, और ये माइनस का 60, तो आएगा -12 0। तो ऐसे में 18y 12, और y कितना आ जाएगा, 12 upon 18, ठीक है, 2 upon 3 आ गया आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम 3 × 5 कितना होगा, 15z, ठीक है। इस बार 3 × 7 करिए, 21, 2 × 9 ये 18z, और 2 × 11 +22, ठीक है ना। 4 × 8z 32z, 4 × 13 52 - 17, ठीक है। अब z को असेंबल कर देते हैं एक साथ सारे, तो ये 15z - 18z, ये z इधर आएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है ना, और इधर -69 हो जाएगा ये जब ऐड होगा तो, और ये -69 तो हो गया है। उसके बाद -21 + 22 कितना होगा, +1 होगा, वो उधर जाएगा तो -1 बन गया, तो ये -70। तो हमें क्या मिला, इधर -50 हो जाएगा ये, और ये +15, तो ये -35z। ध्यान से देखिए, ये -50 और ये +15, तो -35, और इधर -70। तो एंड में हमें z क्या मिलेगा, z मिलेगा हमें 70 upon 35, क्योंकि माइनस माइनस कट चुके हैं, तो z हमें आ गया, 2 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे डेसिमल दिया गया है, तो हाँ आप डेसिमल से पूरे ब्रैकेट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस डेसिमल से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि 0.25 को आप लिख लिए, लिख दीजिए 25 upon 100, ठीक है, अंदर 4f - 3, इधर 5 upon 100। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है, रीज़न ये है ताकि ये 100 से ये 100 कट जाए, डिनोमिनेटर सेम वैल्यू कट जाती है इक्वल साइड में, ठीक है। अब 25 × 4 कितना होगा, 100f हो जाएगा, 25 × 3 75, 5 × 10 50f, 5 × 9 = 45। क्या करना है, कुछ नहीं, f वाली टर्म्स को एक साथ रखिए, नंबर्स को उधर भेज दीजिए, ये बना 30, ये आ जाएगा 50f, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 upon 50, यानी 3/5। अब 3/5 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0.6 कर सकते हैं ना, सो दिस विल बी योर आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.5, अब हम जंप करेंगे लास्ट एक्सरसाइज पे जो कि है 2.6।
और जिसे अगर इस लेक्चर में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप एक्सरसाइज 2.1 से देखें, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक छूटे ना। जब आप रेगुलरली पूरे वीडियोस देखोगे ना 2.1 से लेके 2.6 तक, तो आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। और यही पर्पस है वीडियो बनाने का, ताकि हम हर एक टॉपिक को, हर एक एक्सरसाइज को आपके सामने लेके आएंगे। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन छूट गया था या फिर प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा उसको, आज मैं उनसे कहूँगा कि आप एकदम 2.1 एक्सरसाइज से सारे वीडियोस देखें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ शेयर करना, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, एंड इससे यू नो इज़ अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो जब आप लोगों का प्यार मिलता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, उससे एक अलग ऊर्जा आ जाती है कि हमें और काम करना है, और मेहनत करना है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट लेके आना है। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।